देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में पारा लुढ़कने लगा है। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाएं चल रही है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अगले चार दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं बुधवार से शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली से सटे इलाकों में अगले दो दिन बाद हल्के बादल छाए रहने से सर्दी बढ़ सकती है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार की बात करें तो मंगलवार को राजधानी पटना समेत राज्य के अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क बने रहने के साथ साथ सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में माइनस में पारा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ एक स्थान पर हल्के बादल छाने की संभावना भी जताई गई है। उत्तराखंड में तापमान माइनस में पहुंचने लगा है। देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह शाम ठंड है लेकिन दिन में चटक धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है। बारिश की बात करें तो कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुत्तुकुड़ी और तेनकासी सहित दक्षिणी तमिलनाडु में कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। राज्य में भारी बारिश के कारण खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके और पुल जलमग्न हो गए हैं। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे के बाद तमिलनाडु और केरल में बारिश कम हो जाएगी लेकिन लक्षद्वीप में बारिश जारी रहेगी। उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आएगी।